हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग NLM प्लस फ्रिक्शन के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1978 से। तो 1978 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह का हमारे पास में एक अरेंजमेंट था और ABC हम लोग देख सकते हैं, तीन ब्लॉक हैं यहाँ पर में, और कंडीशन कुछ ऐसी है कि ए को एक रिजिड रॉड से इस तरह से कनेक्ट किया गया है ना, रिजिड रॉड से कनेक्ट किया गया सच दैट ए मूव नहीं करेगा। बी और सी को इस पुल्ली से, आइडियल पुल्ली है, आइडियल पुल्ली बोलने का मतलब ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, और यहाँ से एक आइडियल स्ट्रिंग से, दैट इज मासलेस स्ट्रिंग से इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर सी में हम लोग देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, सच दैट हमें ये जो फोर्स निकालना है, ये फोर्स हमें F की वैल्यू निकालनी है सच दैट जो C है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। ठीक है, तो आप कंडीशन समझ रहे हो, A जो है, A रुका हुआ है क्योंकि वो रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, तो A पे नेट फोर्स जीरो होना है। ठीक है, B और C अगर कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो भी इस पे नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, FBD बनाएंगे और नेट फोर्स सब पे हम लोग जीरो करेंगे। सॉरी, तो हमारे पास यहां पर क्या है, मासेस दी हुई हैं, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ सी। ठीक है, इसके अलावा हमें सारे सरफेस पे जो म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25, दैट इज 1/4 दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड अप सच दैट सी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो सबसे पहले तो हम लोग FBD एनालिसिस करते हैं, ए की FBD हम लोग यहां पर बनाते हैं। तो ए की अगर एक हम लोग बात करें, तो जरा ए को देखो, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ए में नीचे की तरफ एक जो फोर्स लग रहा होगा वो मास ऑफ ए इंटू जी लग रहा होगा। सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ए पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो 3g लग रहा होगा, है ना, 3 इंटू जी, जो अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन फोर्स लगा होगा, ए और बी कॉन्टैक्ट में है तो एक कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसको मैं N1 बोल देता हूँ, जो बी ए पे लगा रहा है। ठीक है, तो N1 हो गया, 3G हो गया। ओके, अब ये जो रॉड है, ये रॉड इस पे एक फोर्स F इधर लगा रहा है। ठीक है, F फोर्स ड्यू टू रॉड लिख देता हूँ मैं, फोर्स ड्यू टू रॉड, N1, 3G समझ में आ गया। अच्छा, A रुका हुआ है, C अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है ना, C इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब B इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब A के रेस्पेक्ट में B जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो A और B वाले सरफेस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या करेगा, वो बी को पीछे की तरफ खींचना चाहेगा सच दैट वो अपोज करे रिलेटिव मोशन को। तो ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, इसको मैं F1 बोलता हूं, है ना। तो ए पे आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा F1। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां से हमारे पास में क्या क्या आ गया, N1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 3G, N1 की वैल्यू अब 3G आ गई। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, जो F1 है इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू N1, म्यू इज 1/4 इंटू N1, दैट इज 3G/4, म्यू इंटू N1 किया तो। तो यहां से हमारे पास में दो वैल्यू हैं जो कि हमें यूज में आने वाली है, ठीक है, 3G/4। तो यहां से हम लोग इसके FBD से, ए के FBD से हम लोग ये चीज इन्फर कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग बी पे, बी का अगर हम लोग FBD बनाएं क्या क्या होगा, बी में क्या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये बी पे एक तो धरती माता इस पे mg फोर्स लगा रही होगी, कितना लगा रही होगी, बी का मास है 4kg तो 4g लगा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो इसका थर्ड लॉ पेयर आएगा N1, अगर बी ए पे N1 लगा रहा है तो ए बी पे N1 लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो N1 यहां पर ये आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट तो ये लगा दिया। अब सी और बी में, यहां पे सी और बी में कॉन्टैक्ट नॉर्मल लगेगा, उसको हम लोग N2 बोलते हैं, तो सी बी पे पुशिंग फोर्स लगाएगा, ये नॉर्मल जो है वो पुशिंग टाइप का फोर्स रहता है, तो N2 में बोल रहा हूँ, जो सी बी पे लगा रहा है, N2 सी बी पे कितना लगा रहा है, N2, इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं, N2। ठीक है, इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में और तो फोर्सेस नहीं दिख रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जरा देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इसका थर्ड लॉ आएगा, ये जो F1 था इसका थर्ड लॉ आएगा, इस F1 का ध्यान से देखो जरा, ये जो F हमने लगाया था F1, इसका थर्ड लॉ आएगा उल्टे डायरेक्शन में इस पे F1। ठीक है, ये A और B पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो, अब B और C पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो B पे B को रोक दो तो C किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है,
इस तरफ, है ना, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ऐसी, तो इन दोनों सरफेस के बीच में ऐसा फोर्स लगेगा सो दैट ये इसके मोशन को अपोज करे। इसको मोशन को अपोज करने के लिए सी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, तो B पे उल्टे डायरेक्शन में F2 लगेगा। तो F2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो B और C सरफेस की वजह से जो फोर्सेस आ रहा है दैट इज F2, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब यहाँ से एक हम लोग स्ट्रिंग की वजह से देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेंशन T लगेगा, ठीक है, बस इतने ही फोर्स लग रहे होंगे, है ना, बैलेंस कर दो, N2 को बैलेंस कर देंगे N1 प्लस 4G, N1 की वैल्यू 3G है तो 3G प्लस 4G दैट इज 7G, N2 की वैल्यू आ गई, अच्छा यहाँ से टेंशन भी निकल जाएगा क्या, टेंशन इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अब F2 कितना है यहाँ पर, पहले F2 निकाल देते हैं, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू N2, N2 दैट इज 7G, दैट इज 7G बाई 4, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 प्लस F2, तो F1 की वैल्यू कितनी है 3G बाई 4 प्लस 7G बाई 4 दैट इज 10G बाई 4। तो ये टेंशन की वैल्यू निकल के आ गए हमारे पास में, ये F2 है, ये N2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई। अच्छा, अब लास्ट हम लोग C का FBD देखते हैं, FBD ऑफ C, है ना, यहाँ से देख लेते हैं C पे जो लग रहा है FBD, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, C थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो C पे यहाँ से एक तो स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, है ना, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन। अब एक तो C पे F2 भी लग रहा होगा, है ना, इसका थर्ड लॉ लग रहा होगा, इसका थर्ड लॉ इस डायरेक्शन में F2, तो टेंशन लग गया, F2 लग गया। इसके अलावा एक फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, एक फोर्स F तो लग ही रहा है, और C और ग्राउंड पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, वो पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ग्राउंड उसको रोक के रखने के लिए, इस डायरेक्शन में रोकने के लिए F3 एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू N3 हो जाएगी, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो बी सी पे, इसका सी बी पे N2 लगा रहा था, तो बी सी पे N2 नीचे की तरफ लगाएगा। धरती माता इस पर एक फोर्स लगाएगी mg, c की मास है 5 kg, तो 5g धरती माता इस पर फोर्स लगाएगी, और धरती माता इस पर जो धरती माता के कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स आएगा N3 N2 5g लग गया, बस इतने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। बैलेंस कर दो, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करने पे क्या मिल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करने पे हमें N3 की जो वैल्यू मिल रही है वो N2 प्लस 5g, तो N2 के वैल्यू है 7G प्लस 5G, दैट इज N2 प्लस 5G इज, हाँ, तो N2 की वैल्यू है 7G और 5G दैट इज 12G, ये N3 की वैल्यू आ गई, है ना। आगे हम लोग जरा देखते हैं इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, F2 प्लस T प्लस F3, तो F2 प्लस T प्लस F3, तो F2 की वैल्यू कितनी है निकाल रखा है हमने 7G by 4, T की वैल्यू कितनी है 10G by 4, F3 की वैल्यू कितनी है mu into N3 that is 1 by 4 into N3, N3 is 12G, 12G सबको जोड़ दो 12, 7, 19, 10, 29, 29G by 4, this is the value of F which is nearly equal to 71.05, this is the value of force। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 1978 में, इस तरह का हमारे पास में अरेंजमेंट दिया हुआ था, दो मास हम लोग देख सकते हैं M1 और M2 इस तरह से एक इंक्लाइंड में, इस तरह से स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से बंधे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जो है हमारे पास में मासलेस दिया हुआ है, आइडियल स्ट्रिंग दिया हुआ है, और इस पूरे सिस्टम को इस तरफ एक्सलरेट किया जाता है स्मॉल एफ से, ठीक है। सारे सरफेस यहाँ पर फ्रिक्शनलेस दिए हुए हैं, हमें यह बताना है कि इसकी वैल्यू, इस स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो सच दैट क्यूब्स डू नॉट स्लाइड, क्यूब्स स्लाइड ना करें, है ना। तो इसके लिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग इधर कितने से एक्सेलरेट कर सकते हैं, कितने से एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो वो हमें एफ, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या है, सिंपल, कोई भी एनएलएम का क्वेश्चन है तो उसका अप्रोच सिंपल रहता है, उसमें एफबीडी बना लो। तो यहाँ पर हम लोग इसको दो इंक्लाइंड की तरह हम लोग देख सकते हैं,
जो पहला इंक्लाइंड है ये पूरा का पूरा देखो इंक्लाइंड प्लेन की तरह है ना, ये पूरा एक पूरा छोटा इंक्लाइंड दिख रहा है। एक दूसरा इंक्लाइंड है, इसका इंक्लाइंड इंक्लिनेशन एंगल है बीटा, इसका इंक्लिनेशन एंगल है अल्फा। तो इस तरह से दो इंक्लाइंड प्लेन में इसको तोड़ के, बाकी तुमको इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस तो किए हुए रहते हैं है ना। तो सिंपल हम लोग देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग M1 कर लेते हैं है ना। M1 जो है इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर देखेंगे तो M1 में जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से होंगे, ये नीचे की तरफ है M1G है ना। और हम लोग क्या करते हैं, ये स्लाइड ना करें, इसमें स्लाइड ना करें ऐसा बोला गया ना, ये जो क्यूब्स हैं M1 और M2 इस इंक्लाइंड प्लेन जो दिया हुआ है इसमें स्लाइड ना करें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके फ्रेम में चले जाएंगे है ना, इसके फ्रेम में चले जाएंगे, और इसके फ्रेम में हमें ये दोनों रुके हुए दिखने चाहिए, तभी तो स्लाइड नहीं करेगा ना। स्लाइड ना करने के लिए क्या होगा, हम लोग इसके प्लेन में चले जाएंगे, इसके इसके इस ए ए के फ्रेम में अगर हम लोग चले गए, और हमें हम लोग अगर M1 M2 अगर हम ए के फ्रेम में रुका हुआ है तो वो स्लाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ए के फ्रेम में हम लोग गए तो एक सूडो M1 into F इसमें आ जाएगा, और एक सूडो इसमें आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, M2 into F इस डायरेक्शन में, M2 into F, ठीक है। इस तरह से सूडो ऐड होगा, और इसमें एक फोर्स M1G, M1F और एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, इसको N1 बोल देते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल जो लग रहा है इसको N2 बोल देते हैं, और यहाँ पर एक MG लग रहा है, M2G लग रहा होगा। बस इतनी तो फोर्स लग रहेंगे M1 और M2, सिर्फ M1 और M2 का मैंने FBD बनाया, ऐसे बनाना मुझे अलग से चाहिए था, लेकिन यार तुम लोगों ने इंक्लाइंड में FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी, तो अलग से बनाना चाहिए, बट तुम लोगों ने इंक्लाइंड में बहुत ज़्यादा ये सब कुछ कर चुके हैं। इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन तुम्हारा मतलब बचपन में सिखाया जाता है ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, मुझे M1G के कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे, M1G का कॉम्पोनेंट इधर लेना पड़ेगा अलॉन्ग द इंक्लाइंड और नॉर्मल टू द, उसी तरह से M1F का कॉम्पोनेंट हमें लेना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसको एक काम करते हैं, ये हम लोग इसको तोड़ रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड और अलोंग द इंक्लाइंड इस तरह से। तो जरा ध्यान से देखो, ये तो तुमने कर रखा है बहुत बार कि M1G का अगर हम लोग इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना होगा M1G साइन अल्फा, ये तुमने बहुत बार कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको एंगल वेंगल नहीं बता रहा, सिंपल से ऐसे भी, ठीक है। तो ये अल्फा, ये एंगल अल्फा है, M1G साइन अल्फा हो गया, और यहाँ से ये वाला जो हो गया दैट इज M1 का जो कंपोनेंट हो गया, सॉरी ये हो जाएगा M1G का कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये M इसके कंपोनेंट हमने इसको ब्रेक कर दिए, M1F का कंपोनेंट देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो जरा ध्यान से देखो, ये अगर अल्फा है ना, ये एंगल, इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दिस एंगल इज अल्फा है ना, अगर दिस, ये एंगल अल्फा है, ये वर्टिकल है, इफ दिस एंगल इज अल्फा सो दिस एंगल इज अल्फा, तभी तो M1G cos अल्फा लिया हमने ना, M1 का जो कंपोनेंट लिया M1G cos अल्फा, यहाँ से ये अल्फा है, ये देखो ये अल्फा है, तो ये यहाँ ट्रायंगल बना लो, दिस इज 90 माइनस अल्फा ना, दिस इज 90, अगर दिस एंगल इज अल्फा सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, तो दिस एंगल इज अल्फा सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। तो M1F का जो कंपोनेंट हम लोग लेंगे तो इस तरफ जो आएगा वो कितना जाएगा, M1F का साइन अल्फा है ना, M1F का साइन अल्फा। तो हम लोग यहां पर से इसको ऐसा लिख देते हैं, M1F का साइन अल्फा प्लस M1G का कॉस अल्फा इधर आ रहा है, ठीक है। और इधर जो M1F का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, M1F का कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से हमने M1F के भी कंपोनेंट्स हम लोग यहां पर ले लिए हैं, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड दोनों फोर्सेस हमें यहाँ से बैलेंस करने हैं। तो चलो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड कर देते हैं पहले, N1 बराबर M1F साइन अल्फा प्लस M1G कॉस अल्फा। तो मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये रिजल्ट लिख देता हूँ, N1 बराबर हो गया यहाँ से M1F का साइन अल्फा, ठीक है, प्लस M1G का कॉस अल्फा, ठीक है। ये N1 की वैल्यू आ गई, और यहाँ से इसको बैलेंस कर देते हैं, एक यहाँ पर टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा स्ट्रिंग की वजह से है ना, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन। तो T प्लस M1F cos अल्फा M1G sin अल्फा को बैलेंस कर रहा है, तो T प्लस M1F cos अल्फा इसको बैलेंस कर रहा है M1G sin अल्फा को, ठीक है।
तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए, हमें स्मॉल एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें, मुझे लगता है ये वाला इक्वेशन काम में आएगा हमारे, ठीक है। ऊपर भी हम लोग देखें तो अलॉन्ग द इंक्लाइंड बस हम लोग देख लेते हैं, मुझे लग रहा है बस इतने ही से काम अपना बन जाएगा, ये वाला जो है ना अलॉन्ग द इंक्लाइंड वाला में। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं M1 M2G का जो कॉम्पोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आ जाए, एक तो टेंशन आएगा यहाँ पर, और M2G का साइन अल्फा इधर आ रहा है ना, और M2G हटा देता हूँ मैं, M2G का एक इधर आ रहा होगा, M2G का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट है, और M1F का इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, M1F का सॉरी ये M2 है ना, हाँ M2F का M2 into F का कॉस अल्फा कॉस बीटा सॉरी यहाँ बीटा है ना, यहाँ बीटा है तो ये यहाँ पर बीटा कॉस बीटा, इस तरह से हम लोग M2F के भी कॉम्पोनेंट्स यहाँ से ले सकते हैं, है ना, M2F का कॉम्पोनेंट्स यहाँ से ले सकते हैं। अब अलोंग द इंक्लाइंड बस मैं देखता हूँ, अलोंग द इंक्लाइंड देखो कौन से बैलेंस कर रहा है, टी प्लस M2G साइन बीटा बैलेंस कर रहा है M2F कॉस बीटा को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी प्लस M2G साइन बीटा किसको बैलेंस कर रहा है, M2F कॉस बीटा को, M2F का कॉस बीटा। अब एक काम करेंगे हम लोग, ये दोनों जो इक्वेशन है वन को और टू को, है ना, वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वन माइनस टू करते हैं, तो वन माइनस टू करने पे देखो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं अगर करूँ वन माइनस टू करेंगे तो ये टी से टी कैंसिल हो जाए, आउट हो जाएगा, M1F cos alpha माइनस M2G sin beta M1F cos alpha माइनस M2G sin beta बराबर M1G sin alpha माइनस M2F cos beta। ठीक है, अच्छा यहां से एक काम करो, F वाला टर्म को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा F इंटू M1 cos alpha प्लस M2 cos beta बराबर, इसको उधर ले गए, G कॉमन निकाल दिया, बन गया ये M1 sin alpha प्लस M2 sin beta M2 sin beta। ठीक है, तो यहां से F की जो वैल्यू हमें निकल के आ गई, दैट इज G इंटू M1 sin alpha प्लस M2 sin beta डिवाइडेड बाई M1 cos alpha प्लस M2 cos beta। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, ठीक है, ओके। अब दूसरा में क्या निकालना था, F तो हमने निकाल दिया, दूसरा हमें T निकालना है, T के लिए क्या करें, किसी एक इक्वेशन में डाल दो ना, F की वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में, चलो इसी पहले ही में डाल दो उठा के, इसमें T की वैल्यू F की वैल्यू डाल दो, क्या बन जाता है देखो, T इक्वल्स टू बेसिकली M1 G sin alpha माइनस M1 F cos alpha, तो M1 G sin alpha माइनस M1 cos alpha इंटू F कर देता हूँ, तो M1 और cos alpha इंटू F करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M1 G into cos alpha M1 cos alpha इंटू G और बचा हुआ बाकी टर्म, दैट इज M1 sin alpha प्लस M2 sin beta डिवाइडेड बाई M1 cos alpha प्लस M2 cos beta। ठीक है, तो T की वैल्यू आ गई, यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, M1 square, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, M1 square G sin alpha cos alpha, ठीक है, प्लस M1 M2 sin alpha cos beta माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर से, M1 square G sin alpha cos alpha प्लस माइनस M1 M2 cos alpha sin beta होल डिवाइडेड बाय M1 cos alpha प्लस M2 cos beta। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट बिट रहा है क्या, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा मेरे पास में M1 M2, अच्छा G भी सब में आएगा ना, यहाँ G मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ भी G होगा, G यहाँ पर रहेगा, तो एक काम करेंगे हम लोग M1 M2 G कॉमन निकाल देते हैं,
यहाँ बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा और यहाँ माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एम वन कॉस अल्फा प्लस एम टू कॉस बीटा। तो इस तरह से हम लोग टेंशन की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो होप तुम लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, यहाँ पर खुद से एक बार FBD बना के देख लेना, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग बना सकते हैं इसमें। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 1978 में। तो 1978 में हमारे पास टोटल तीन क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव टाइप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन, खैर ये वाला जो क्वेश्चन है ये इजी है रिलेटिव टू जो बाकी दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक रोप दिया हुआ है, रोप मासलेस नहीं है, इस रोप का कुछ मास है और इस पर एक फोर्स लगा रहा है, रोप की लेंथ है एल दी वे कैपिटल एल और इस पर इस तरह से फोर्स लगाया जा रहा है। हमें इस पर टेंशन बताना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम दिस एंड, मतलब यहाँ पर रोप पे क्या टेंशन होगा इस जगह पे, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग एक काम करें, हम लोग रोप का मास स्मॉल एम मान लें, ठीक है, और यहाँ पर ये रोप दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म दिया हुआ था, है ना। तो मास अगर m मान लें तो मास पर यूनिट लेंथ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इस रोप का अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू, एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, म्यू दैट इज मास, मास लीनियर मास डेंसिटी, है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ इसका मतलब l लेंथ का मास m है, तो पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा दैट इज म्यू, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ से अगर इस रोप को देखें तो इस रोप पे टोटल फोर्स F है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना F इक्वल्स टू एम ए, इस मास के लिए मैं इस रोप के लिए लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू एम ए लिख दिया मैंने, तो एक्सेलरेशन मेरे पास टोटल कितना आ गया F बाई एम, ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज़ है, एक्सेलरेशन हो गया F बाई एम। अब मैं इसी मास का एक छोटा सा टुकड़ा लूँगा, मैं इतना टुकड़ा लूँगा, ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा लूँगा। तो इस टुकड़े का अगर हम लोग एनालिसिस करें, इस टुकड़े के छोटे से टुकड़े का अगर एनालिसिस करें, तो इस टुकड़े पे देखो कौन से फोर्स लग रहा है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है जो यहाँ पर रेड कलर का जो लगा हुआ है ना, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये जो कटिंग किया है ये यहाँ पर है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इसका लेंथ कितना है, बेसिकली देख लो यहाँ पर एल माइनस स्मॉल एल, क्योंकि यहाँ से एल डिस्टेंस ही टोटल एल है, तो एल माइनस स्मॉल एल लिख देता हूँ अच्छे से, एल माइनस स्मॉल एल इसका टोटल डिस्टेंस है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है जो कि इधर से टेंशन इस पे लग रहा होगा, है ना। इसको अगर हम लोग सेपरेट आउट करें तो इधर इस पे टेंशन फोर्स उधर लग रहा होगा, इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में, इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में, इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में, और यही टेंशन इसको ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि इस पूरे का एक्सेलरेशन ए है, तो यही फोर्स, यही टेंशन इसको एक्सेलरेट कर रहा है ए से, क्योंकि पूरी की पूरी रस्सी ऐसे एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसका मास, इसका l माइनस l लेंथ का मास कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एल माइनस l, इतना मास हो गया। इस टुकड़े का मास कितना हो गया, म्यू इंटू एल माइनस l, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, f बाई m ही होगा, f बाई m, और वो टोटल t फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू डाल दो, देखो म्यू की वैल्यू स्मॉल m बाई l, स्मॉल m बाई l इंटू एल माइनस स्मॉल m l डिवाइड f बाई m, दैट इज इक्वल टू t। तो यहाँ से बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टेंशन की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में, दैट इज l माइनस स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल l इंटू f। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये इजी कैटेगरी के क्वेश्चन में हम लोग काउंट करेंगे। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1981 में, टोटल 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इस तरह का हमारे पास में एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और अरेंजमेंट में कैसा है, यहाँ पर दो पुली हम लोग देख सकते हैं, पुली आइडियल पुली है, स्ट्रिंग जो यहाँ पर कनेक्टेड है ये आइडियल स्ट्रिंग है, दैट मीन्स स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो इस तरह का सिचुएशन एम वन और यहाँ पर एम वन एम टू और एम थ्री यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, है ना, 37 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो M1 है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, नीचे की तरफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि M1 पे नेट फोर्स जीरो है, है ना। अगर ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो ऑब्वियस है कि M2 और M3 ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, यहाँ कंस्ट्रेंट से हम लोग देख सकते हैं,
ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करना है। तो मैं एक अपना सिस्टम एक ऐसा चूज करता हूँ, मैं क्या करूँगा M1 के साथ स्ट्रिंग को लेते हुए इस M2, फिर स्ट्रिंग को लेते हुए इस M3 को मैं अपना सिस्टम चूज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर सिस्टम चूज करने में क्या फ़ायदा हो जाता है, बहुत बार कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है। सिस्टम किस तरह से हम लोग चूज करते हैं उससे हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि हम एक बार हमने सिस्टम फिक्स कर दिया तो क्या होता है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास सिस्टम का, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ हमें एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर मैंने अपना सिस्टम माना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और इसको M1, M2 और M3 तीनों ब्लॉक और रस्सी, क्योंकि रस्सी मासलेस है, तो इसको करते हुए मैंने पूरा अपना सिस्टम मान लिया है, ठीक है, और मैं उसको एक पूरा लंबा इस तरह से लंबाई की तरह मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का पूरा लंबा देख रहा हूँ मैं कैसे देख रहा हूँ इसको, M1 ऐसा है मेरे पास में, स्ट्रिंग है, यहाँ पर M2 कनेक्टेड है, स्ट्रिंग है, यहाँ पर मेरा M3 कनेक्टेड है, तो इस तरह का मेरा ये मेरा सिस्टम है ना। अब मुझे बस इतना देखना है कि मेरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स को मुझे जीरो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि M1 मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इस मास, ये मास M1 फाइंड आउट करना है, और दूसरा यहाँ का टेंशन मुझे फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको अगर मैंने सिस्टम चूज किया है, ठीक है, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस में देख लेता हूँ कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो यहाँ से जो एक एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होगा दैट इज़ एम वन जी, तो इस तरफ में एम वन जी है, तो मैंने इधर एम वन जी अप्लाई कर दिया, एम वन इंटू जी, ठीक है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा हुआ स्ट्रिंग का इंटरनल फोर्सेस से मुझे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एम टू के पास जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, एम टू मैं बोल देता हूँ, है ना, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज एम टू जी कॉस अल्फा, यहाँ पर इसको अल्फा अगर इसको बोल देता हूँ तो ये एम टू जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक लग रहा होगा एम टू जी साइन अल्फा, है ना, और यहाँ पर एम टू का कॉम्पोनेंट लग रहा है, एक सेकेंड, इसका परपेंडिकुलर अच्छे से बना देता है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक देखो, अगर ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग, अलॉन्ग इस लेंथ में जो, क्योंकि M2 जो रहेगा वो बैलेंस करेगा M2G टू जी cos अल्फा को, तो ये तो खत्म हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स और जो मेरे पास यहाँ पर बच गया दैट इज F और M2G टू जी sin अल्फा, तो ये फ्रिक्शन यहाँ पर इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और इसके अलावा क्या लगेगा, M2G टू जी sin अल्फा प्लस, मैं लिख देता हूँ M2G टू जी sin अल्फा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर मेरा सिस्टम पे एक और लग रहा है, ठीक है, M2G टू जी cos अल्फा, ये और ये बैलेंस आउट हो जाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ बीच में टेंशन लग रहा होगा M3, इधर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि M3 में जो M3 ऊपर नीचे लग रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक देखो, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, F3 में बोल देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ मैं F2 बोल देता हूँ, F2 टू पे F2 लग रहा है, F3 लग रहा होगा एक, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, तो F3 लग रहा होगा, तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली न्यू इंटू एन थ्री, और एन थ्री कितना है, एन थ्री एम थ्री जी के बराबर है, ठीक है, तो कितना लग रहा है यहाँ पर पीछे की तरफ म्यू एन थ्री, तो ये इतना फोर्सेस मेरे पास में यहाँ पर इस पर लग रहा होगा। अब इस फोर्स को बैलेंस कर दें, क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होना पड़ेगा, तो एम वन जी किसको किसको बैलेंस कर रहा है, एम वन जी इज बैलेंसिंग एफ टू प्लस एम टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू एन थ्री, ठीक है, अच्छा मैं इसको लिख लेता हूँ, एम वन जी बराबर, सबसे पहले तो एफ टू देखेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, म्यू की वैल्यू भी डाल देते हैं, वन बाई फोर इंटू म्यू इंटू एन टू, और एन टू किसको बैलेंस कर रहा था, एम टू जी साइन कॉस अल्फा, एम टू जी कॉस अल्फा, एम टू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, फोर है ना, तो फोर जी एम टू जी फोर जी इंटू कॉस अल्फा, कॉस ऑफ 37 डिग्री 4 बाई फाइव, ये तो एफ टू की वैल्यू हो गई, प्लस एम टू जी साइन अल्फा, एम टू फोर जी साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन 37 डिग्री 3 बाई फाइव, ठीक है, प्लस
म्यू इंटू एन थ्री, म्यू इज 1/4 इंटू एन थ्री, एन थ्री इज एम थ्री जी, एम थ्री जी कितना हो गया 4g, है ना 4g। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4g/5 प्लस ये कितना हो गया 12g/5 प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस g, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m1g। सो जी से जी सब हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये बन गया 4/5 प्लस 12/5, दैट इज 16/5 प्लस 1, दैट इज 3.2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4.2 kg। तो इसकी वैल्यू तो निकल गई 4.2 kg, ये जो मास है इसकी वैल्यू निकल गई 4.2 kg। तो पहला पार्ट तो ठीक है, टेंशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब तुम मुझे ये कमेंट बॉक्स में ये करके बताना, ये बताना कि क्या यहाँ का टेंशन, यहाँ पर स्ट्रिंग में इस पार्ट का टेंशन और यहाँ का टेंशन सेम होगा, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन और इस M2 के इधर वाला टेंशन, क्या ये सेम होगा या अलग होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो खैर हमें तो अभी यहाँ पर निकालना है ना, तुम्हें बताना है कि क्या ये टेंशन और ये वाला टेंशन जो हमें यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर जो टेंशन होगा, सपोज टी डैश में बोल रहा हूँ, क्या टी डैश टी के बराबर है, ये तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो खैर वो बताना तुम, यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये बैलेंस कर रहा होगा टी, अगर हम लोग M3 को अपना सिस्टम माने, ठीक है, M3 मेरा अगर सिस्टम है, ठीक है, M3 को अगर मैंने अपना सिस्टम माना तो M3 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका भी नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो M3 पे एक इस डायरेक्शन में T लग रहा है, दूसरे डायरेक्शन में म्यू M3, ठीक है। तो T किसको बैलेंस कर रहा होगा, म्यू इंटू M3 को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, म्यू इंटू M3 को बैलेंस कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऐसे भी बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी म्यू इंटू M3 को बैलेंस कर रहा हो। और म्यू की वैल्यू 1/4, M3 की वैल्यू देखो यहाँ से M3g की वैल्यू, M3g हो जाएगा, M3 इज 4 इंटू G इज 4g, ठीक है, 4 इंटू G, M3 इज M3g। सो यहाँ से हम लोग T की वैल्यू बोल सकते हैं G, विच इज 9.8। सो यहाँ से T की एक तो वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाल दी, और M1 की एक वैल्यू हमको निकाली थी वो भी हमने यहाँ से निकाल दी। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1987 में, बहुत फनी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, टोटल 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक मास रखा हुआ है एक सरफेस पे जिसका जो फ्रिक्शन का कॉफिशियंट है इन दोनों सरफेस के बीच में, दैट इज म्यू। हमें बताना है कि इस पे मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए सच दैट कि ये मूव कर जाए, मिनिमम फोर्स बोला गया है, ठीक है, मिनिमम फोर्स। तो सबसे पहले तो देखते हुए जो एक बुरा ख्याल आता है कि म्यू एम जी बोल दो, है ना, म्यू एम जी बोल दो, क्या उससे भी कम फोर्स हम लोग लगा सकते हैं क्या इस पे? देखो अगर हमने तो फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो म्यू एम जी हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उसको मूव करने के लिए। लेकिन हमें ये कहाँ बताया गया है कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, हमें कुछ रैंडम फोर्स की डायरेक्शन पहले इसमें लेनी पड़ेगी, है ना। हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसमें हम लोग फोर्स ऐसा लगा दें, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है ना। तो हम लोग जनरल देखेंगे कि देखो क्या होगा अगर हमने फोर्स कुछ रैंडम डायरेक्शन में ऐसा लगाया F, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हमने कुछ रैंडम डायरेक्शन में फोर्स लगाया है एट एन एंगल ऑफ कुछ एंगल, सपोज थीटा एंगल पे लगाया है ये फोर्स F लगाया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल को कम करेगा, ठीक है, एक कंपोनेंट जो F का जो एक कंपोनेंट दिख रहा है, F का जो साइन थीटा कंपोनेंट है ना, F का साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल को कम करेगा और F का cos थीटा इसको खींचेगा, है ना। तो नॉर्मल कम करेगा तो म्यू इंटू एन, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, म्यू इंटू एन की जो वैल्यू होगी जस्ट मूव करने के लिए हमें म्यू इंटू एन चाहिए, लिमिटिंग हम लोगों को चाहिए, है ना, एफ फोर्स मिनिमम बोला है तो जस्ट मूव करना है तो हमको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो दैट इज म्यू इंटू एन। तो एफ का एक कॉम्पोनेंट इसको इसके नॉर्मल को कम कर देगा, ठीक है, और एफ का एक कॉम्पोनेंट इसको मूव करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग को उसको अप्रोच करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मूव करने के लिए हम लोग कंडीशन देखो, अभी यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस मास का, अगर हम लोग एनालिसिस करें इस मास को अगर देखो तो एक इस मास को अगर हम लोग देखें तो एक फोर्स कौन सा लग रहा है इस पर, एक फोर्स लग रहा है एफ, सॉरी इसको मैं रिजॉल्व ही कर देता हूँ ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में,
एक तो लग रहा है इधर एफ कॉस थीटा, है ना, इस तरफ लग रहा है एफ का साइन थीटा, जमीन से इसको नॉर्मल मिल रहा होगा एन, नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, और इस डायरेक्शन में इसको लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना, जस्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगी, है ना, म्यू इंटू एन की वैल्यू। तो एन यहां से हम लोग देख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये एन की वैल्यू आ गई, और एफ कॉस थीटा लिमिटिंग कंडीशन में डाल रहे हैं हम लोग एफ कॉस थीटा दैट इज म्यू इंटू दिस टर्म म्यू एम जी माइनस म्यू इंटू एफ साइन थीटा म्यू इंटू एन, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, तो एफ वाला कॉम्पोनेंट इधर ले आओ, तो एफ कॉमन निकाल दो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, और एफ की जो वैल्यू आ गई दैट इज थीटा डिपेंडेंट आ गई, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, ये एफ की मेरे पास में वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें इस फोर्स को मिनिमाइज, ये तो हमने थीटा कोई भी रैंडम थीटा के लिए जो फोर्स होगी जिसको जिसको जस्ट मूव करेगी वो फोर्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस थीटा के साथ ये डिपेंडेंसी आ गई, तो अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, इस एफ को मिनिमाइज करना है। तो एक तो तरीका है इसको एफ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लेके डबल सिंगल डिफरेंशिएट करो, फिर उसको इस बार जीरो करो, जो थीटा की वैल्यू आई वो उठा के तुम यहां डालो। और अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो बेसिक ट्रिगो तो एफ मिनिमम हम लोग उससे निकाल सकते हैं, एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, म्यू एम जी कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट, तो बाकी कांस्टेंट, थीटा पे वैरी जो करने वाला वो इसको ये वैरी कर रहा है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको मैक्सिमाइज कर दो, ये टर्म को मैक्सिमाइज कर दो, नीचे वाला डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो, दैट इज रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ते रहते तुम लोग। तो ये एफ मिनिमम की वैल्यू हम लोग यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना, ये एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। और कौन से थीटा पे, तो थीटा भी निकाल सकते हो, कौन से थीटा पे ये कंडीशन आ रहा है वो भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो एफ इस डायरेक्शन में जो एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज म्यू एम जी अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। बहुत मतलब बस थोड़ा सा ये क्लिक करना था कि एफ ऐसा नहीं है, देखो ये जो वैल्यू आई हमारे पास में म्यू एम जी से छोटी वैल्यू आई, म्यू एम जी अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो वन अपॉन ये जो टर्म है ये तो वन से बड़ा ही है ना, तो म्यू एम जी से छोटा ही कर रहा है इसको, तो हमें मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकाल लेती, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।